हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2016 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं की है, जिसका रीज़न था कि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हम 2016 का जो प्रीवियस पेपर था उस पर डिस्कस करेंगे कि 2016 में कॉमर्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, यानी कि आपको बताना है ऑप्शंस में से कि क्यों तैयार किया जाता है। फर्स्ट, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। सेकंड, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। थर्ड है, रोकड़ प्राप्ति के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए, या फिर रोकड़ प्राप्ति का शेष ज्ञात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बैंक समाधान विवरण, जिसको हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये तैयार किया जाता है हमारा रोकड़ प्राप्ति के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से विकल्प यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग सही रहेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन है, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि चालू संपत्तियों में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है। फर्स्ट है व्यापारिक रहतिया, रोकड़, फर्नीचर या फिर अग्रिम भुगतान। तो फ्रेंड्स, अगर हम चालू संपत्तियों की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में करंट असेट्स भी बोलते हैं, तो उसमें हम फर्नीचर को यहाँ शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए फिक्स असेट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार खाते में दर्शाया जाता है, हमें बताना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है। गैस एंड ईंधन, वेतन, कमीशन या फिर किराया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्यापार खाते की, तो उसमें दिखाया जाता है गैस एवं ईंधन, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से संबंधित हैं। जबकि अदर, वेतन, कमीशन एंड किराया, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि पी एंड एल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश चालू संपत्ति है, हमें बताना है इसमें से चालू संपत्ति क्या है। रोकड़, फर्नीचर, मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चालू संपत्ति यानी कि करंट असेट्स, वो है हमारी रोकड़। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। जबकि अगर हम बात करें फर्नीचर और मशीन की, तो ये हमारे लिए फिक्स असेट है। नेक्स्ट है, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। जर्नल, समायोजनाएं, खाता बही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ट्रलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसको हम बोलते हैं समायोजनाएं यानी कि एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी तरह के होते हैं, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर हम डिफ़िकल्ट लेवल की बात करें, तो डिफ़िकल्ट लेवल में आपको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो पूरे 50 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन देखा जा गया है कि इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक नॉलेज पे होते हैं, बेसिक रूल पर वो क्वेश्चंस गिवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आदत मजदूरी में दर्शाया जाता है, यानी कि जो वेजेस होती है हमारी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो कहाँ दिखाई जाती है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में या फिर आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाई कहाँ जाती है, ये नहीं पूछा है कि उसकी आप जो वो करोगे एडजस्टमेंट, वो कहाँ कहाँ की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर दर्शाने की बात की गई है, तो उसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हो, तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा। फर्स्ट है लाभानी खाता, फिर है व्यापारिक खाता, उसके बाद है रोकड़ खाता और फिर है हमारा आर्थिक चिट्ठा। तो फ्रेंड्स, अगर हम तलप यहाँ पे अंतिम रहतिया की बात करें कि वो अगर ट्रायल बैलेंस में गिविन है हमारा, तो वो वहाँ कहाँ पर दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, अगर वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, तो वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और अगर वो नीचे एडजस्टमेंट के रूप में गिवन है, तो वो हम दिखाएंगे हमारे
वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और साथ ही साथ उसको हम दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। लेकिन अगर वो अंदर गिविन है तो सिर्फ उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, वो होगा हमारा बैलेंस शीट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैंक अधिविकर्ष होता है, यानी कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या होता है? ऑप्शंस है, जब ग्राहक का रुपया बैंक में जमा होता है। बी ऑप्शन है, जब बैंक ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक रुपया ऋण के रूप में दे देता है। थर्ड है, जब ग्राहक खाता बंद कर देता है। या फिर उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो फ्रेंड्स बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जो हमारा गिविन हो जो फैसिलिटी होती है वो हमारी वो फैसिलिटी होती है, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर उसको किसी भी तरह की मनी की रिक्वायरमेंट है और उतनी मनी उसके अकाउंट में नहीं है, तो वो अपने अकाउंट में जो भी उसकी मनी है उससे ज़्यादा वो उसको विड्रॉल कर पाए और जो भी उसको परचेजिंग करनी है वो कर ले, उस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, बैंक ओवर फैसिलिटी जो है ओवरड्राफ्ट की, ये सिर्फ करंट जो अकाउंट होल्डर होते हैं, जिनके पास करंट अकाउंट होता है, सिर्फ उनको गिविन होती है, और किसी अकाउंट में ये फैसिलिटी गिविन नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नस्तीकरण की किस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है? नस्तीकरण की पट प्रणाली, नस्तीकरण की तिरछी प्रणाली, नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नस्तीकरण की बात करें तो इसके लिए नाम से ही यहाँ पे गिविन है खड़ी अवस्था में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली में पत्रों को खड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है, क्या? बीजक, विक्रय विवरण, नाम की चिट्ठी यानी जमा चिट्ठी। फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रधान और एजेंट का रिलेशन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, एजेंट और प्रधान का रिलेशन होता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर हमने कंसाइनमेंट भेजता है, जब कोई भी मालिक अपने किसी एजेंट के थ्रू कि वो बाहर जाए और उस माल को बेच कर आए, तो वो जो माल भेजता है उसको बोला जाता है प्रधान, और जिसके थ्रू भेजा जाता है वो बोला जाता है एजेंट। तो फ्रेंड्स, एजेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में जाके उस माल को बेचता है, तो उसको एक विवरण देना होता है कि उसने कौन सा माल कितने रुपए में बेचा और कहाँ कहाँ उसने क्या क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे बेचा। तो ये सारा स्टेटमेंट उसको बना के देना होता है, जिसको बोलते हैं विक्रय विवरण। तो फ्रेंड्स, एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है, उस पत्र को बोलते हैं विक्रय विवरण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता नहीं है, व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये आपने शुरू से पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि फाइनल अकाउंट के अंदर जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें सिर्फ दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तीसरा जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वो हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि हमें बताता है हमारे फाइनेंशियल पोजिशन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक समाधान विवरण आरंभ किया जाता है, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम से, रोकड़ पुस्तक के रोकड़ कॉलम शेष से, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या पासबुक के शेष से, या फिर पासबुक के शेष से। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बैंक समाधान विवरण प्रारंभ करने की कि ये कब से प्रारंभ किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ किया जाता है हमारे बैलेंस से, फिर चाहे वो हमारा पासबुक का बैलेंस हो, चाहे वो हमारा कैशबुक का बैलेंस हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या फिर पासबुक के शेष से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यापारी, बैंक, देनदार, या फिर लेनदार। तो फ्रेंड्स, बैंक समाधान विवरण जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रिपेयर किया जाता है व्यापारी के द्वारा, कि वो देख सके कि पासबुक और कैशबुक में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है या नहीं। तो ये डिफरेंस को चेक करने के लिए वो बैंक समाधान विवरण प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नस्तीकरण का उद्देश्य होता है, अब हमें बताना है नस्तीकरण का क्या उद्देश्य होता है। न्यायालय में साक्ष्य का कार्य करना, मतभेदों का निपटारा करना,
ग्राहकों को स्मरण कराना या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सभी ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। मतभेदों को निपटारा करना भी नस्तीकरण का काम होता है, न्यायालय में साक्ष्यों को कार्य करना, ग्राहकों को स्मरण कराना, ये सभी कार्य नस्तीकरण के हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग होता है, ए छोटे व्यवसाय में, बी बड़े व्यवसाय में, सी सहकारी समितियों में, या फिर डी इन तीनों में। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका के प्रयोग करने की, तो फ्रेंड्स पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग छोटे व्यवसाय में किया जाता है, तो ऑप्शन ये हम ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चेक का रेखांकन डैश द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी कि चेक का रेखांकन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, आहर्ता द्वारा, भुगतान पाने वाला, पृष्ठांकन, या फिर बैंक। तो फ्रेंड्स चेक का यहाँ पर रेखांकन भुगतान पाने वाला कभी नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को क्या कहते हैं, पृष्ठांकन, रेखांकन, बेचान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींची खींची जाती हैं तो उसको कहा जाता है रेखांकन, जिसको हम क्रॉसविंग भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय के लिए कौन सी अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है, खुली अनुक्रमणिका, स्वरात्मक अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका, या फिर इनमें से ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पुस्तकालय में कौन से अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है हमारी कार्ड अनुक्रमणिका, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किस फाइल में किया जाता है, कबूतर खाने वाली फाइल में, तार फाइल में, शैनन फाइल में, या फिर खड़ी फाइल में। तो फ्रेंड्स अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किया जाता है खड़ी फाइल में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परिशोध कमीशन की गणना की जाती है सकल विक्रय मूल्य पर, व्यापारिक मूल्य घटाने के बाद शेष मूल्य पर, व्यापारिक व्ययों की राशि जोड़ने पर, या फिर व्यापारिक छूट घटाने तथा व्यापारिक व्ययों को जोड़ने पर। तो फ्रेंड्स परिशोध कमीशन की गणना हम करते हैं व्यापारिक व्ययों की राशि जोड़ने पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीजक तैयार किया जाता है, यानी कि बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, क्रेता द्वारा, एजेंट द्वारा, विक्रेता द्वारा, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स बीजक हम तैयार करते हैं विक्रेता के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी कि बतानी है थोक व्यापारी किसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता के बीच, उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के बीच, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच, या फिर उपरोक्त सभी के बीच। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें थोक व्यापारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी की, तो ये हम कड़ी उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है, वहां पे शून्य होती है, एक से कम होती है, असीमित होती है, या फिर एक से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम विलासिता, जिसको फ्रेंड्स हम कंफर्ट जोन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कंफर्ट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एसी, जिसको हम एयर कंडीशनर, और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, या फिर हमारे लग्जरी बाइक, लग्जरी कार, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी मांग की मूल्य सापेक्षता हमारी एक से अधिक होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है, धन का निवेश करती है, ऋण प्रदान करती है, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये लेन देन भी करती है, धन का निवेश भी करती है, और ऋण प्रदान भी करती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अगर हम नोट निर्गमन की बात करें तो वो अधिकार मिला हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा 2016 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था
क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, तो आई होप अगर इस तरह का पेपर आया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और फ्रेंड्स इसी तरह का मोस्टली पेपर आता है, 2015 का भी मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे भी पूछे गए हैं, बस थोड़ा बहुत मॉडरेट और कहीं पर वो ईजी रखते हैं पेपर, तो आप देख सकते हैं क्या था उसका पैटर्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।